हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल, जो कि छोटे बालों में काफ़ी इजीली आप बना लोगे। आप मेरे बालों की लेंथ जो है यहाँ पे मिरर में आपको दिख रहा होगा, एंड अभी कट किया था, कैसे कट किया है इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैम आपने कौन सा हेयर कट लिया है, तो मैंने खुद से सेल्फ हेयर कट किया था। प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। एंड हो सकेगा तो मैं थंबनेल सॉरी एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, तो वहां से आप ले लीजिएगा एंड तक वीडियो देख के। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ज़्यादा बातें नहीं करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मिडल पार्टीशन कर रही हूँ। अगर आपको मिडल पार्टीशन नहीं करनी है तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ से आपको थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेना है और आपको इसमें रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी इस हेयर स्टाइल में। ओके, इस तरीके से देन इनको सेंटर से इस तरीके से होल्ड करना है एंड अंदर की तरफ से हेयर को लेके जाना है और इस तरीके से टाइटली खींच देना है। अगेन दूसरा लेयर लेंगे। रबर बैंड लेंगे एंड रबर बैंड को लगा देंगे। एक लेयर और लेंगे। और यहाँ पे भी रबर बैंड को लगा देंगे। सॉरी, जितना आपका पोनी का हेयर है उनको आगे की तरफ रखिए ताकि बैक वाला हेयर आएगा इसके अंदर, तो आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत होगी। अब इस तरीके से करने के बाद से इसमें भी इस तरीके से होल करेंगे, फिंगर इंसर्ट करके पोनी के हेयर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड बस सिंपली खींच देंगे। सेंटर वाले पार्ट में भी इसी तरीके से करना है और पीछे की तरफ खींच के टाइट कर देना है पोनी के हेयर को। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी आपको रबर बैंड लगाना है। फिंगर को इंसर्ट करेंगे, बैक साइड लेके जाएंगे एंड टाइट कर देंगे। एक लेयर और लेंगे। इस तरीके से और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आप इस तरीके की फ्लावर वाली यू पिंस ले सकते हो एंड जहाँ जहाँ पे आपने रबर बैंड लगाया है सिंपली वहाँ वहाँ पे आपको ये फ्लावर वाले क्लिप्स यू पिंस को लगा देना है। अच्छे से देखिएगा जहाँ पे आपका ये रबर बैंड को उल्टा था वहीं पे आपको लगाना है ये। दैट्स इट एंड ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। बैक से इस तरीके का लुक आएगा, सिंपल ओपन हेयर है, छोटे बालों में काफी अच्छा लगेगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए। सेकेंड में आपको क्या करना है, बस फ्लावर वाला जो यू पिन आपने लगाया है उसको रिमूव कर दीजिए एंड सारे हेयर को हाई पोनीटेल बनाएंगे। बिल्कुल हाई लेके जाएंगे। रबर बैंड लगा देंगे। रबर बैंड तो आपने लगा दिया, इसके बाद से आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक और इसको रबर बैंड को जैसे आपने लगाया है
सिंपली इसको इस तरीके से रबर बैंड को एक बार और ऐसे करेंगे एंड सारे हेयर को आगे की तरफ लेके आएंगे एंड पीछे की तरफ से इस तरीके से थोड़ा सा खींच लेंगे। ओके अब ये जो आपके हेयर हैं इनको भी इस तरीके से पकड़ना है। इस तरीके से करके आप यहाँ पे एक यूपिन लगा दीजिएगा या फिर आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट अच्छा लुक देने के लिए लॉन्ग टाइम तक आपका हेयर स्टाइल बना रहे उसके लिए आप यूपिन से इसको ऐसे सिक्योर कर लीजिएगा। ओके अब जो बाकी हेयर हैं पोनी के उनको आगे की तरफ लेंगे। अच्छे से सारे हेयर को मैंने ले लिया है, अभी एक रबड़ बैंड लेंगे एंड पार्ट पे लगा देंगे रबड़ बैंड को एंड जो आपका हेयर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद आपको सारे हेयर को बैक साइड में लेके जाना है इस तरीके से। और बैक साइड का जो हेयर है उसको सिंपली अंदर की तरफ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। वाओ तो इस तरीके का आपका सेकेंड हेयर स्टाइल हो जाएगा। हाई बन बन है तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे एंड कहीं भी आना जाना हो और आपको इस टाइप का हेयर स्टाइल बनाना है तो आप बना सकते हो। तो बैक से कुछ इस तरीके का दिख रहा है, फ्रंट से ऐसा दिखेगा एंड लेयर आप निकाल लीजिएगा। तो ये भी आप पार्टी वगैरह में ट्राई कर सकते हो हेयर स्टाइल। तो ये सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। थर्ड में आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो आपका ये बन है इसको इस तरीके से पकड़ना है जैसे मैं पकड़ रही हूँ और ऐसे ऐसे खींचते जाना है। इससे क्या होगा आपका जो हेयर स्टाइल है उसमें थोड़ा मैसी लुक आ जाएगा। जो आपने फर्स्ट में ये पिन इंसर्ट किया था उसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा हेयर इधर से लेंगे और इसको इस तरीके से सॉरी पिन की मदद से बन में इंसर्ट करते जाएंगे। ये मैं क्या कर रही हूँ आपको एंड में पता चलेगा। फिर इधर से थोड़ा सा हेयर लेंगे बैक साइड में लेके जाएंगे, थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं, बिल्कुल पतला पतला सेक्शन लेना है बालों का और बैक में ले जाके रबड़ बैंड से लगाते जाना है। फिर से थोड़ा सा लेयर लेंगे और फ्रंट साइड में लेके आएंगे, फिर लगा देंगे। इसी तरीके से आपको सारे हेयर को एक मैसी सा लुक दे देना है। थोड़ा थोड़ा सा लेयर इस तरीके से पकड़ना है एंड लगाते जाना है। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल बन जो है वो कंप्लीट हो गया है, थोड़ा डिफरेंट लुक के साथ एंड काफी अच्छा भी लग रहा है। तो आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा, काफ़ी इजी है तो कोई भी बना सकता है। तो ये थे आज के तीन ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल जो कि आप सिंपली मार्केटिंग के लिए थोड़ा स्टाइलिश लुक चाहते हो तो बना सकते हो, बहुत आसान है तो कोई भी इसको ट्राई कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इस हेयर स्टाइल के लिए आपको चाहिए यहाँ पे डोनट बन, तो डोनट बन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। डोनट बन को सिंपली इस तरीके से लगाना है। ओके डोनट बन को लगाने के बाद से आपको सारे हेयर को फ्रंट की तरफ लेके आएंगे और एक पतला वाला रबर बैंड लेंगे इस तरीके से, रबर बैंड को लगा देना है। फ्रंट से इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। ओके अच्छे से फैला लेंगे जहाँ तक आप हाफ डोनट बन पे हेयर को फैला लेंगे। देन जो फ्रंट का हेयर है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद से
सिंपली जो आपका हेयर सॉरी डोनट बन जो दिख रहा है उस पे इस तरीके से लेके जाएंगे यूपिन की मदद से। लास्ट पॉइंट को डोनट बन के साथ ही इंसर्ट कर देंगे। एक यूपिन और लगा रही हूँ ताकि जो हेयर है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा लेयर्स में कटे हुए हैं तो निकल ना जाए। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के हेयर को लेना है। डोनट बन को हाइड करते हुए यूपिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो इतने छोटे बालों में इतना खूबसूरत सा हाई बन आप बना सकते हो बहुत सिंपल और इजी तरीके से। अब जहां से भी आपका डोनट बन दिखाई दे रहा है ऊपर के हेयर को इस तरीके से फैलाएंगे और यू पिन की मदद से इसको अच्छे से डोनट बन को छिपा देंगे। ओके, जहाँ भी अनमैनेज लग रहे हैं वहाँ पे आप यूपिन की मदद से उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट हेयर है और शॉर्ट बालों में इस तरीके का बड़ा सा डोनट बन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आपको करना क्या है, फ्रंट में जैसे आपका ये उठा हुआ हेयर तो डोनट बन को ऐसे दबाएंगे और यूपिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। ये हमारा जो हेयर है ये निकल रहा है तो इसको अच्छे से खींच के ले जाएंगे बैक साइड में और डोनट बन की सॉरी यूपिन की मदद से सिक्योर करेंगे। ओके, तो ये हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। कहीं से भी अनमैनेज लग रहा है तो यूपिन लेके और इस तरीके से सिंपली आप लगा दीजिए तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से मैनेज दिखेगा और काफ़ी स्टाइलिश और खूबसूरत दिखेगा। ओके, तो ये हमारा आज का हेयर स्टाइल था जो कि काफ़ी इजी स्टाइलिश एंड सबसे अच्छी बात कि शॉर्ट हेयर में आप इतना बड़ा खूबसूरत सा हाई बन बना सकते हो। इसको बनाने के बाद से आप इसके ऊपर पल्लू सेट कर लो, छठ पूजा आने वाला है तो छठ पूजा में आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे तो आप फ्रंट से भी काफ़ी स्टाइलिश दिखेगा एंड इसके ऊपर जब आप पल्लू सेट करोगे तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत सा लॉन्ग आपको लुक देगा। एंड जिनकी हाइट शॉर्ट है वो ये हेयर स्टाइल बनाओगे तो आपकी हाइट भी लॉन्ग दिखेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खुले बालों में और छोटे बालों में ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल पे डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियो डेली आती रहती है तो प्लीज़ उस चैनल पे भी जाइए। सेकंड चैनल का नाम है प्रीत तिवारी 2, तो वहाँ पे आपको कपड़ों से रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज, जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं सब कुछ देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ जाइएगा जरूर। एंड इंस्टा आईडी प्रीति भाई 24 है, वहाँ पे आपको मेरी रील्स वीडियोस देखने को मिलेगी तो इंस्टा पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हेयर स्टाइल है वो मैं बनाने वाली हूँ इस वाले पफ से। तो कैसे बनाना है आपको, सिंपली आपको पहले अपना जो फ्रंट का हेयर है ईयर टू ईयर पार्टीशन करके इस तरीके से ले लेना है, देन इसको आपको सिक्योर कर लेना है। इसका क्या करना है ये मैं बाद में बताऊँगी। तो इसको मैंने यहाँ पे सिक्योर कर दिया, देन आपके सारे हेयर को ऊपर की तरफ से लेके जाना है। पहले आपको इस तरीके से अपने क्राउन एरिया के हेयर को हटा लेना है ऐसे, और यहाँ पे आपको जो मैंने दिखाया था इसको यहाँ पे सेट कर लेना है ऐसे, एकदम सेंटर में होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली अपने सारे हेयर को इसके ऊपर से लेके जाना है। ओके, जब आप इसको ऊपर से लेके जाओगे हेयर को तो ऑटोमेटिकली आपके हेयर इनके साथ चिपक जाएंगे और इस साइड के सारे हेयर को ऊपर की तरफ से लेके जाना है। जिनको बिल्कुल हेयर स्टाइल नहीं आता है वो भी बना सकते हैं, ये इस तरीके से लेना है एंड अच्छे से पफ को हाइड करते हुए छिपाते हुए सारे हेयर को। इस तरीके से एंड क्लिप लेना है, बॉबी क्लिप, एंड इसको
सिक्योर कर देना है अच्छे से बालों को। बस कहीं से टेढ़ी मेढ़ी लग रही है तो उसको आप सेट कर लीजिएगा। तो ये मेरा सेंटर में हो गया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने हेयर रखा था इसको ओपन कर लेना है, देन थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है एंड ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके पफ के जस्ट नीचे से लेके जाएंगे, बैक साइड में ले जाके क्लिप की मदद से सिक्योर कर लेना है। सेकेंड लेयर लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, जो पहला ट्विस्टिंग था उसके जस्ट नीचे से लेके जाएंगे और इसको भी उसी क्लिप में आप सिक्योर कर लो। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप दूसरा क्लिप यूज कर सकते हो। एंड थर्ड लेयर लेंगे और स्टार्टिंग से ही अगर शॉर्ट है तो स्टार्टिंग से ही ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे शॉर्ट है, लेयर्स मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। आपकी चॉइस है, आपको निकालना है तो ठीक, अदरवाइज आप इस तरीके से सारे हेयर को ट्विस्ट करके बैक साइड में लेके जा सकते हो एंड क्लिप के साथ सिक्योर कर लेंगे। तो ये काफ़ी स्टाइलिश है एंड छोटे बालों में बन जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो कोई फेस्टिव सीजन है तो आप और वेडिंग वगैरह में भी आप इस तरीके का हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, साइड से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे बेबी हेयर्स की प्रॉब्लम है तो आप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। तो ये हमारा आज का हेयर स्टाइल था, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आई होप कि पसंद आया हो। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे फ्लावर वाले जो यूपिन्स आते हैं वो यूज कर सकते हो, चाहे कोई भी हेयर को अच्छा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कोई भी हेयर एसेंसरीज है आपके पास तो आप वो यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का लुक हमारा कंप्लीट हो गया हेयर स्टाइल और बहुत इजी है, छोटे बालों में भी बना सकते हो। तो अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये ऐसे इजी और हेल्पफुल हेयर स्टाइल आप खुद से बना पाओ विदाउट किसी की हेल्प लिए, बिना किसी की हेल्प लिए। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने मंगाया था ये फ्लिपकार्ट से ADS का ब्यूटी सुपर शाइनिंग आई लाइनर वाटर प्रूफ, इस पर लिखा हुआ है बट मैंने इसको टेस्ट किया और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आपने आप भी देख रहे हो इसको और आप लेना चाहते हो तो अगर वाटर प्रूफ सोच के ले रहे हो तो ये वाटर प्रूफ नहीं है। इस पर 4D लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा वाटर प्रूफ लिखा हुआ है ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। मैंने इसको अपने हाथ पे चेक किया था, देन थोड़ी देर बाद से पानी से ऐसे किया तो ये पूरा निकल गया था। तो आप भी अगर लेना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। Thanks for watching. Bye bye.